हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, डेल्टन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है फ्रेंड, डेल्टन हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम जॉन डेल्टन है। जॉन डेल्टन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। मैं लिख देता हूँ इसे, ठीक है फ्रेंड। तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, इन 1808 जॉन डेल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। अब फ्रेंड, जो जॉन डेल्टन ने हमारी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, उन्होंने अपनी थ्योरी के पॉस्टुलेट भी दिए थे कुछ, उन्होंने अपनी थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट दिए थे, वो मैं आपको पॉस्टुलेट समझाऊंगा और पॉस्टुलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में लिखने के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं वन बाय वन हर एक पॉस्टुलेट को आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉस्टुलेट की। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉस्टुलेट हमारा ये कहता है, जो हमारा मैटर होता है वो हमारा स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। जो हमारा मैटर होता है वो हमारा स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है फ्रेंड, और फिर यहाँ पे जो वर्ड है हमारा इंडिविजुअल, इसका मतलब ये है कि जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता और आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। आप सब जानते हो एटम हमारी एक ऐसी यूनिट होती है जिसे हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और ना ही उसे आगे डिवाइड कर सकते और उसे छोटे पार्ट में। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट था। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेकंड पॉस्टुलेट की। फ्रेंड्स, सेकंड पॉस्टुलेट हमारा ये कहता है कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, मतलब उनका साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होती है, वेट भी सेम होता है उनका, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा सेम एलिमेंट का एटम होता है उसकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, उसका साइज भी सेम होगा, वेट भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी, यहाँ तक उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉस्टुलेट में लिख देता हूँ, इसे आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट दैट साइज शेप वेट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं थर्ड पॉस्टुलेट की। फ्रेंड थर्ड पॉस्टुलेट हमारा ये कहता है कि जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, मतलब उनका साइज भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगी, वेट भी डिफरेंट होगा, यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ठीक है फ्रेंड, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। थर्ड पॉस्टुलेट हमारा ये कहता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनकी सारी चीज़ें ही डिफरेंट होंगी, उनका साइज भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगी, वेट भी डिफरेंट होगा और यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है फ्रेंड, हमें इसे लिखी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की। फ्रेंड फोर्थ पोस्टुलेट हमारा ये कहता है कि जो एटम है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, जो हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है या होती है जो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, इस चीज़ों में से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फिफ्थ पॉस्टुलेट की। फ्रेंड फिफ्थ पॉस्टुलेट हमारा ये कहता है कि जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे एक कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट कहता है। हमने इसे लिख दिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अब फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने सिंपल होल नंबर रेशियो ये लाइन लिखी है। फ्रेंड इसमें आपको एक बार ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे एटम्स के एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। मतलब आपकी बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे वो कंबाइन होंगे
सिंपल होल नंबर रेशियो में हमारे वो कंबाइन होंगे, ठीक है। तो एक आप इम्पोर्टेंट लाइन है आपको याद रखनी है हमेशा, ओके। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं लास्ट पॉस्टुलेट की, जो है हमारा सिक्स पॉस्टुलेट। फ्रेंड्स सिक्स पॉस्टुलेट हमारा ये कहता है कि ना ही हम कभी एटम्स को क्रिएट कर सकते और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में, मतलब ना ही हम कभी एटम्स को बना सकते और ना ही उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर सकते केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये हमारा सिक्स पॉस्टुलेट कहता है एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक ये तो मैं आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके फ्रेंड, तो फिर यही हमारे छह इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट के डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ये आपको याद होने चाहिए कि कई बार एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है राइट द पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये 6 के 6 पॉस्टुलेट वहाँ पे लिखने होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स आज हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी और क्या डेल्टन ने इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट प्रपोज किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस देखते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।